पहले यहाँ पे देखते हैं बस मिलता या नहीं मिलता। बांग्लादेश की लोकल वाइब्स कुछ ऐसी है, मारेगा मारेगा मारे। अब दोपहर में यहाँ पे माहौल गरमाया हुआ है, देखो ट्रैफिक की क्या हालात है यहाँ पे। यहाँ पे पुलिस ही पुलिस हो रखी है चारों तरफ, सामने देखो तो काफी भीड़ हो रखा है, ये देखो सामने। मुश्किल से 4-5 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकती है। इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। अभी मैं हूँ बोरीसाल। आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे यार, हम यहाँ पे वो जो फ्लोटिंग मार्केट वगैरह, यहाँ की लोकल लाइफ वगैरह, विलेज लाइफ वगैरह घूमने गए थे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं चिट्टोगांव। पहले यहाँ पे देखते हैं बस मिलता या नहीं मिलता। बांग्लादेश की लोकल वाइब्स कुछ ऐसी है। ये है यहाँ का मेन बस स्टैंड, बोरीसाल जगह है वहाँ का। तो यहाँ से बस देखते हैं चिट्टोगांव के लिए। वैसे हम लोग उसको ना चिटगांव बोलते हैं, वो चिटगांव या चिटगांग, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल नाम है ना उसका, असली जो रियल नेम है ना वो चिट्टोगांव। ये बसें कुछ ऐसे हैं। आज करने वाले हैं हम बांग्लादेश की क्रेजी बसों में जर्नी सफर। तो देखते हैं बांग्लादेश की बसों का सफर कैसा रहता है, होपफुली अच्छा ही होगा। वैसे मुझे उम्मीद कम ही है कि आएगी, सड़कें अच्छी मिलेगी हमें यहाँ से चिट्टोगांव के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बस का पता करते हैं। ये एक भाई यहाँ का लोकल भाई है, तो वो हमारी हेल्प कर रहा है यहाँ पे बस वगैरह पता करने में। ये आ गए यहाँ पे अपन बस स्टैंड के अंदर। यहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह कुछ ऐसे हैं, देखते हैं यहाँ पे टिकट वगैरह पता करते हैं। सुबह से अभी नहाया दो या कुछ नहीं यार, हम लोग ऐसे ही निकल गए हैं, वो एक जगह घूम के आए, फिर हमने सोचा यार अब कौन होटल लेगा कौन होटल जाएगा, यहाँ से सीधा चिट्टोगांव निकलते हैं। अभी यहाँ बस स्टैंड से पता किया तो शाम को 6 बजे जाएगी चिट्टोग्राम के लिए बस, लेकिन वो सारी बसें ना ढाका होते हुए जाएगी। हम लोग सोच रहे हैं यार डायरेक्ट पहले ढाका चलते हैं, ढाका चलने के बाद फिर डिसाइड करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम एक हो रहा है, यहाँ पे 3 दिन का स्ट्राइक लग गया भाई। आने वाले 3 दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, और प्रोटेस्ट ढाका में सबसे ज्यादा होगा, अदर सिटीज में इतना ज्यादा नहीं होगा। पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं है, अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट वगैरह कर रही है। तो थोड़ा सा एक बार चलते हैं यार ट्रैफिक पार कर ले, फिर खाना पीना खाऊंगा करके और फिर बताता हूँ वहाँ बैठ के। यहाँ का ट्रैफिक पार कर लेते हैं सबसे पहले। कुछ हालात ऐसे हैं बोरीसाल सिटी के, और तेरे तो मारेगा मारेगा मारे, अब रोकते भी नहीं है भाई यहाँ पे। मैं सुबह आया था ना तब सोच रहा था कि यहाँ पे ना माहौल ठीक ठाक होगा, लेकिन अब दोपहर में यहाँ पे माहौल गरमाया हुआ है, देखो ट्रैफिक की क्या हालात है यहाँ पे भाई। ट्रैफिक का तो हाल गजब ही है, ये तो क्रेजी अलग ही लेवल का ट्रैफिक होता है यहाँ पे। यहाँ का ट्रैफिक पार करना मतलब कोई जंग पता करने बराबर होता है। यहीं पे पास में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बताया, पहले वहाँ चल के बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर बैठ के अच्छे से बातें चीतें करते हैं आप लोगों से। ये बसे वाले कभी भी ठोक देते हैं, पता ही नहीं चलता। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे बस स्टैंड के अंदर ही पता कर रहे थे, यहाँ पे अभी 3 दिन की स्ट्राइक लग गई है। 3 दिन यहाँ पे अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया होगा कि यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, 2 महीने बाद यहाँ पे इलेक्शन है, अपोजिशन पार्टी आए दिन प्रोटेस्ट वगैरह स्ट्राइक वगैरह करती रहती है। ढाका में आने वाले 4-5 दिन मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब रहने वाली है, तो ढाका में जाना सेफ नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं ढाका की बार बार घूमते रहे, ढाका में ऑलरेडी 3 दिन बिता लिया मैंने। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी, बाकी देखते हैं ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल थे नहीं। अच्छा है, यहाँ पे 2 बिरयानी खाई अभी। 2 बिरयानी का प्राइस था 400 टका, 400 टका का मतलब 300 इंडियन रुपीज। ये बांग्लादेश के ट्रैफिक को देखते ही ना मुझे डर लगने लगता है, अलग चीजें दिखती है ना तब थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रोज यही चीजें दिखेगी ना तो आप लोग बोर हो जाओगे इनसे। अरे जाने दो यार भाई, यहाँ पे ना बसों का कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी बस जाएगी चिट्टोगांव, कौन सी जाएगी ढाका, कोई क्या टाइम बता रहा है, कोई क्या टाइम बता रहा है, सब बस व्यस्त है। तो हम देख रहे हैं यार, वो एक कल हम लोग वो लॉन्च करके आए थे ना, हम सोच रहे हैं कि वो लॉन्च करके वापस चले जाएं ढाका, फिर ढाका से जैसे वो ऑल नाइट जर्नी होती है, मॉर्निंग में वहाँ से बस पकड़ के हम लोग चले जाएं चिट्टोगांव। बहुत खोपड़ा ना ऐसे हो गया यहाँ पे घूमते घूमते, क्या ही बताऊँ आज तो क्या ही बताए, आज का दिन कैसा निकला हमारा यार भाई, जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। जब हम लोग ढाका का ओरिजिनल ट्रैफिक देख लेंगे ना तब क्या हालत होगी हमारी। ये तो अभी बोरीसाल का ट्रैफिक देखा है हम लोगों ने। ढाका चलो, ढाका चलना है भाई साहब। है पर है असली बांग्लादेश ये है, लड़ेगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दादा आराम से, फाइनली ट्रैफिक से निकल।
निकलने के बाद इतना राहत मिल रहा है ना, पूछो मत। नीचे कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रिक्शा दिख रहा है, ये देखो बांग्लादेश के, आपको जो इलेक्ट्रिक रिक्शा वो बताता हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया यार, ये दादा ना एक तरफ ही पैडल है, साला दूसरी तरफ तो पैडल है ही नहीं, और रिक्शा भग रहा है इतनी तेज। मैं सोचू यार ये ढलान खत्म हो गया तो फिर आइए क्या होगा, ये पैडल कैसे लगाएगा। मालूम चला फिर ई रिक्शा है भाई साहब, इलेक्ट्रिक रिक्शा है। अच्छा ये भग जाएगा। और इसकी बैटरी वगैरह यहाँ होती है, अंदर बैटरी रख के रखते हैं। वापस से टर्मिनल के अंदर आ गए, वो पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही था, तो आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमें लाउंज मिलता है। यहाँ पे लाउंज अलग अलग कैटेगरी के होते हैं यार, तो कुछ लाउंज तो बहुत घटिया होते हैं, कुछ लाउंज जो एकदम VIP होते हैं, VIP वाला अच्छा सा मिल जाए तो नींद आ जाएगी अच्छे से। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा था, उन लोगों को इस वीडियो में मैं लाउंज भी दिखा दूंगा। हम लोग शायद कल भी प्रिंस में ही आया था, मुझे ऐसे लग रहा है शायद ये वाला ही जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है ये वाला लाउंज जाएगा ढाका। और ये वाला दिख भी अच्छा रहा है, ये वाला मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा भाई। एक बार फिर से हम लोग करने वाले हैं इस लाउंज की जर्नी, पहले ढाका से बोरीसाल आए और अब बोरीसाल से ढाका तक के लिए लाउंज की जर्नी होने वाली है। सेम वही प्राइस है, पिछला वीडियो में आप लोगों को सब बता दिया था कि 1000 टका हम लोग दिए थे ढाका से बोरीसाल तक के लिए इस लाउंज जर्नी का। हम लोगों ने AC वाला लिया था, AC वाला जो अच्छा है। ये बोरीसाल का लॉन्च टर्मिनल कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा लॉन्च वगैरह शिप वगैरह खड़े नहीं रहते, ढाका में तो लाइन लगी रहती है बहुत लंबी चौड़ी। ये मान के चलो कि 300-400 लॉन्च खड़े रहते हैं ढाका में। अभी टाइम हो गया 2:30, ये फेरी है जो शिप है चल रही है, यहाँ से स्टार्ट हो गई है। जर्नी पहले मैं दिखा चुका तो मैं जर्नी वापस से रिकॉर्ड नहीं कर रहा। राइस ऑर्डर किया है और वो चिकन सैलेड एंड दाल, 450 टका के लगभग हमें ये टोटल खाना पड़ा है। तो भाई सुबह हो गए, सुबह के 6 बज गए हैं और हमारा जो लाउंज है वो पहुंच गया है ढाका। ये देखो मैंने रूम नहीं दिखाया था यार आप लोगों को, एक बार फिर से दिखा देता हूँ इस लाउंज का रूम। कल शाम को खाना खा के और सो गया था, ये रूम होता है, ये बेड होता है, इसलिए वीडियो में वैसे दिखाया होगा मैंने एक वीडियो में। ये ग्लास दे रखा है। सुबह सुबह ये जो लाउंज टर्मिनल का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक और लाउंज आके खड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा वाला लाउंज है ना वही सबसे अच्छा है। आप लोग देखो एकदम क्लीन सा है, और वो वाला देखो कितना गंदा दिख रहा है। ये रिवर है ना, इसका नाम है बूढ़ी गंगा, और वो सनराइज हो रहा है। यहाँ पे सुबह सुबह की हलचल कुछ ऐसी है, लोग है जो बाहर निकल रहे हैं, जैसे ही टर्मिनल से बाहर निकले बस यहाँ पे CNG रिक्शा मिलेंगे, और ये रिक्शा चारों तरफ से बंद होते हैं। अंदर आप बैठोगे ना अलग ही फीलिंग आएगी आपको कि कोई जेल में बंद हो आप लोग। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग वगैरह, जैसे लोग ना सामान छीन के भग जाते हैं गेट ये खुला होता है तो इसलिए यहाँ पे रिक्शा सारे के सारे बंद मिलेंगे। यहाँ के रेलवे स्टेशन पे हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ भी बंद कर रखा है आज तो, लट बज रहे हैं लट, और ये सामने पुलिस ही पुलिस हो रखी है। ये देखो सब जगह आज तो पुलिस ही पुलिस तैनात कर रखी है, आज हालात बहुत खराब है यहाँ पे। वो देखो उधर है जो सारी गाड़ियों को रोक रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, ये वाला ये यहाँ का काउंटर है। टिकट ले लिया है चिटगोंग का, 7:45 पे हमारी ट्रेन है, तो दो लोगों का 690 टका का हमें टिकट पड़ा है, और 690 टका एग्जैक्ट प्राइस तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अभी टाइम हो गया सुबह के 7:10 और हमारा डिपार्चर टाइम है 7:45। ये लाइन किसका लगा है यहाँ पे पता ही नहीं यार, ये किसका लाइन लगा है मालूम नहीं है। चिटगोंग के लिए किधर जाना है? चिटगोंग के लिए इधर टिकट ले लिया हमने, टिकट ले लिया प्लेटफॉर्म सीधा अंदर। अच्छा एंट्री, अरे वो एंट्री लिखा है ना, चलो भाई अंदर चलते हैं, आप चलते हैं अंदर। यहाँ की ट्रेन की भीड़ भाड़ दिखाते हैं आप लोगों को, कैसा क्या माहौल है यहाँ की ट्रेन वगैरह क्या। ये है ढाका का रेलवे स्टेशन कमलापुर, ठीक ठाक लग रहा है रेलवे स्टेशन। ऊपर नीचे जाने के लिए कुछ नहीं है, वो होता है ना उधर बना रखा उन्होंने, लेकिन वो भी बस उधर से इधर जाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको या तो इधर से कूद के जाओ या फिर वापस वो सामने वहाँ से यूँ क्रॉस करते हुए और उधर जाओ। ऊपर आने जाने के लिए इन लोगों ने नहीं बना रखा है। आज देखो भाई यहाँ पे पुलिस ही पुलिस हो रखी है चारों तरफ, सामने देखो सारे जगह ना पुलिस ही पुलिस डिप्लॉय कर रखी है इन लोगों ने। ये सामने यहाँ पे चार्ट ना, यहाँ पे इंग्लिश कहीं नहीं चलती, पूरा का पूरा बंगाली में लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाना है। जो न्यूमेरिक लिखा हुआ होता है ना वो भी पता नहीं अपनी बंगाली लैंग्वेज में लिख के रखते हैं, रिजर्वेशन वाला लिया तुमने? पता नहीं, मैंने उसे बोला नॉर्मल दे दे। महानगर प्रोवती ट्रेन का नाम है हमारी, चेयर है ये भाई, क्लास चेयर है, लिखा हुआ है सिटिंग चेयर। हाँ लिखा तो है।
चट्टोग्राम जाना है। कौन से प्लेटफॉर्म? ये किस? डिस्प्ले बोर्ड। ओके सामने ओके डिस्प्ले बोर्ड। ओके 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 डिस्प्ले बोर्ड भी बोला है कि वहाँ देख के बताते हैं। ये वाली अपनी वाली ट्रेन महानगर प्रवृत्ति। हमारा वाला कोच है वो ये वाला है XTR3। आप लोगों को सारा का सारा बांग्ला में लिखा हुआ मिलेगा तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। आप लोगों को यहीं पूछना पड़ेगा। सिटिंग सीट है हमारी। XTR3 56 ये रहा 56। ये वाली ट्रेन है बांग्लादेश की। अच्छी खासी सीट्स वगैरह अच्छी खासी बना रखी हैं लोगों ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी ट्रेन होगी क्योंकि मैंने उसको बोला था कि भाई जनरल का टिकट देना है। सामान वगैरह रखने के लिए भी अच्छा खासा इन्होंने इंतजाम कर रखा है। अच्छा लगा, मतलब बांग्लादेशी ट्रेन के बारे में सुनते ही आए थे कि बहुत क्राउडेड होती है। अभी तो क्या है कि यहाँ पे आज स्ट्राइक वगैरह हड़ताल वगैरह है तो इसलिए इतना ज्यादा क्राउड है नहीं यहाँ पे ट्रेन में। और कुछ तो खाने का मन कर नहीं रहा। ये खीरा लिया है मैंने 10 टका का। 10 टका लगभग 7 इंडियन रुपीज के लगभग होते हैं। वैसे वेंडर वगैरह आते रहते हैं ट्रेन में काफी सारे। तो भाई काफी सारे छोटे छोटे स्टेशन आते जा रहे हैं। और ढाका में इतना भीड़ नहीं था यार, यहाँ पे तो काफी भीड़ हो रखा है। ये देखो सामने ऐसे छोटे छोटे स्टेशन बहुत सारे देख लिए, लेकिन ढाका से ना बहुत कम भीड़ था। यहाँ पे आने के बाद तो जबरदस्त भीड़ हो गया पूरी ट्रेन में। और ज्यादा देर के लिए रुकता भी नहीं है, थोड़ी सी देर के लिए रुकता है, मुश्किल से 4-5 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकती है। 4-5 मिनट भी ये मान लो मैंने ज्यादा बोल दी, 2-3 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। लेकिन स्लो भी बहुत चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। ये अच्छा है, यहाँ पे खिड़कियाँ खोल लो आराम से और बस देखते देखते जाओ। यहाँ पे दादा केले वगैरह बेच रहे हैं। कितने का दिया? 100 टका का। कितना? 20। 3 केला कितना का देगा पूछो इसको? 15 रुपए 15 टका का। 3 केले दे दो। 4 दे दो 4। चार केले ले ले, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, 20 टका के दिए 4 केले। ये जनरल डिब्बा ही बन गया हमारा वाला भी। पहले सीटिंग सबको एक बार सीट इश्यू कर देते हैं, उसके बाद टिकट सबको दे देंगे, आप जाके खड़े हो जाओ। काफी सारे लोग आ गए अब तो इसमें भी। मैंने पहली बार बांग्लादेश में इतना बड़ा ब्रिज देखा। यहाँ पे सिप वगैरह भी है, काफी बड़ा ब्रिज बनाया हुआ इन्होंने। वहां से सामने से एक और वो रेलवे ट्रैक जा रहा है उस ब्रिज के ऊपर ऊपर से। बांग्लादेश में से रिवर वगैरह बहुत है, पूरे बांग्लादेश में रिवर लगभग 700 मोर देन 700 से ज्यादा रिवर है बांग्लादेश में, है ना। साढ़े 12 बज गया शाम को, ये मान के चलो कि 4 कम से कम बजेंगे हमें वहाँ चिटगोंग पहुँचते। आज ट्रेन बहुत धीरे चल रही है और आज यहाँ पे स्ट्राइक, इसलिए भी ट्रेन में भीड़ कम है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं, लोकल लोग बोल रहे हैं भाई आज तो तुम्हें सीट मिल गई, बाकी स्ट्राइक है इस वजह से सीट मिल गई, बाकी सीट मिलना पॉसिबल नहीं है हमारे बांग्लादेश में ट्रेन से। ये लो भाई एक और छोटा सा स्टेशन आ गया है। मुझे लगता है लोकल ट्रेन है, बड़े स्टेशन पे तो रुकी नहीं रही है, जो छोटे छोटे स्टेशन आ रहे हैं ना उन्हीं पे रुक रही है बस। ये इंडिया तुम क्या? डाइंडो ट्रेकर ट्रेकर इंडो ट्रेकर ट्रेकर इंडो ट्रेकर। काफी सारे पुलिस वाले, जैसे सामने पुलिस वाले हैं, 2-3 पुलिस वाले हैं, तो ऐसे पुलिस वालों को रेलवे स्टेशन पे भी खड़ा कर रखा है ताकि कोई हुड़दंग ना हो पाए बस कंट्री में। बताओ किसी को यदि बंगाली आती है तो स्टेशन का नाम बताओ क्या नाम है। फाइनली हम लोग पहुंच गए चिटगांव रेलवे स्टेशन।
दो दिन हो गया नहाए, कल सुबह के चले, कल भी नहाना नहीं हुआ, आज भी नहाना नहीं हुआ। अब यहाँ पे होटल वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद नहाएंगे तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे। यार सही में हालत ख़राब हो रखी है और इतनी गर्मी थी यहाँ पे, पूछो मत, बहुत ज़बरदस्त गर्मी। सामने है यहाँ की इंटरसिटी ट्रेन, फिक्स 3 बजे हम लोग यहाँ पे उतर गए चिट्टगांव रेलवे स्टेशन पे। हालत देखो चेहरा कैसे हो रखा, शक्ल कैसी हो रखी है ट्रेवल में, ट्रेवल करते करते। नॉर्मल वीआईपी नहीं चाहिए, हाँ नॉर्मल चाहिए। तुम इतना छोटा कैसे रह गया? हमारा घर में सब छोटा ही है। ये देखो मेरे आए आधा ही आ रहा है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। होटल वगैरह लेंगे और उसके बाद डिसाइड करनी है हमें आज कहीं निकलना है या कल सुबह हम लोग निकलेंगे। मैं इंडिया का, इंडिया राजस्थान, राजस्थान रॉयल्स। घूमने आया ऐसे ही, बांग्लादेश घूमने आया है, चिट्टगांव। हाँ चिट्टगांव खाना नहीं खाया, आप खाएगा बाहर जाके, भूखे मत आए। अच्छा आ जाओ बाहर खाते हैं खाना। गाइज वेलकम टू चिट्टगांव। हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए हैं। यह है चिट्टोग्राम सिटी का पहला झलक, पहला इंप्रेशन कुछ ऐसा है चिट्टोग्राम सिटी का। वही भीड़ भाड़, वही सीएनजी ऑटो, वही स्नेचिंग वाला सीन सब जगह। ये बस देखो क्या जबरदस्त बस है भाई, चलते हैं भाई, बहुत थक गए, इतनी थकान हो रही है, पूछो मत। तो भाई यहाँ पे होटल वगैरह ले ली है, ये होटल पड़ा 1700 टका का, कुछ ऐसा होटल है। तो अभी मैं वीडियो वगैरह एडिट करूंगा, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करूंगा, खाना पीना खाने जाऊंगा, ये सामान वगैरह डाल दिया है। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।